पत्नी को गांव से बुलाने के लिए पति ने रची साजिश बेटे की जिंदा आर्थी और बेटी को लगाया फांसी बेटी की अड़ती का फोटो भेज पत्नी को बुलाया मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार मुंबई कुरार पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार किया है जो पत्नी को गांव से मुंबई बुलाने के लिए अपने नाबालिग बेटी को फांसी पर लटका दिया और जिंदा बेटे की अर्थी की तस्वीर निकालकर पत्नी को भेज दी पत्नी को बताया कि बेटा मर गया और बेटी ने फांसी लगा ली अब मुंबई आ जाओ घटना की जानकारी मिलते ही कुरार पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी और बेटे को कब्जे में लेकर नशेड़ी बाप को बच्चे की हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है कुरार पुलिस स्टेशन हद में रहने वाले सुचित गोड़ उम्र तैतीस साल ने कुरार पुलिस को बताया कि उसका भाई नशे का दी है नशा करने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को मारता पीटता था दो साल पहले पत्नी बच्चों को लेकर मुंबई छोड़कर गांव चली गई थी उसकी हरकत से वो मुंबई नहीं आना चाहती थी शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपने 13 साल की बेटी और 8 साल की बेटी को गांव से मुंबई लेकर आया नशे की हालत में बच्चों को मारता और पीटता भी था पत्नी को गांव से बुलाने के लिए उसने शनिवार सुबह अपने 8 साल की बेटी को जमीन पर सुलाकर उसके ऊपर सफेद कपड़ा डालकर उस पर माला पहनाई और अगरबत्ती जलाकर उसकी जिंदा आरती तैयार कर तस्वीर निकाली और बेटी को पंखे में दुपट्टे से फांसी लगाकर नीचे रखे बाल्टी को हटाने को कहा बेटी ने जब बाल्टी हटाने से मना किया तो बाप ने पंखा चालू करने की धमकी देने लगा बेटी बाप को ये कहकर चिल्लाने लगे कि पापा अभी मुझे मरना नहीं है मुझे जाने दो बेटी की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने जब घर में देखा तो बेटी पंखे से लटकी हुई रोती हुई दिखी पड़ोसियों ने अंदर हिम्मत करके बाप को हटाया और बेटी को नीचे उतारा इस घटना की जानकारी मिलते ही कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रकाश वेले और पीआई आई पितले के साथ पुलिस उप निरीक्षक गायकवाड़ खुद मौके पर पहुंचे और हालात को देखते हुए बाप को भागने से पहले हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की उसने पुलिस को बताया कि बीवी को गांव से बुलाने के लिए उसने नशे की हालत में ये वारदात को अंजाम दिया है कुरार पुलिस ने नराधाम बाप को उसकी बेटी और बेटे की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर होलीटी कोर्ट में पेश किया कुरार पुलिस स्टेशन के में रहता है उसकी पत्नी और चार बच्चों के साथ में वो रहता था उसे दारू पीने की आदत थी और दारू पी के वो हमेशा अपने बच्चे और अपनी पत्नी को हमेशा मारता रहता था इसकी वजह से उसकी पत्नी दो साल पहले घर छोड़ के गई थी अपने बच्चों के साथ में लेकिन डेढ़ महीना पहले उसने अपने दो बच्चे जिसमें एक तेरह साल की लड़की है और आठ साल का लड़का दोनों को यहाँ पे लाया था लेकिन फिर भी वो यहाँ पे दारू पी के बच्चों को भी मारता था सात तारीख को सुबह ग्यारह बजे के आसपास उसने घर में कोई नहीं था ये देखकर उसने फैन के नीचे जो बाल्टी थी वो उसमें बाल्टी रखी और उसके ऊपर बच्चों को खड़ा किया और बच्ची के गले में जो ओढ़नी थी उसी ओढ़नी के साथ में उसने फैन को ओढ़नी बांधी और दूसरा उसने उसके गले पे बांध दिया और बच्ची को बोला कि तुम बाल्टी से कूद जाओ अगर तुम नहीं कूदोगे तो मैं लात मार के बाल्टी नीचे करूँगा और नहीं तो मैं फ़ैन चालू करूँगा ये देख के बच्ची रोने लगी बहुत घबराई और उसने चिल्लाना शुरू किया तो उसकी आवाज़ सुन के जो एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर तुरंत पहुँच गए और उन्होंने बच्ची को वहाँ से हटाया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया हमारी पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और उसको ये किया अटक किया बेटे के साथ क्या कुछ किया था सर एक मिनट उसी दिन सात तारीख को सुबह आठ बजे के आसपास जब घर में कोई नहीं था तो उसने अपने बेटे को घर में फ़र्श पे लिटाया और उसको बोला कि आके बंद करो और उसके ऊपर सफ़ेद कलर का जो कपड़ा था उसके ऊपर डाल दिया और उसके गले में हार वगैरह पहनाया और फूल उसके शरीर पे डाले और बाजू में अगरबत्ती वगैरह उसने जलाया और उसका उसने फ़ोटो खींचा उसका वो फोटो वो अपनी पत्नी को भेजने वाला था कि देखो तुम्हारा बच्चा लड़का वो मर गए हैं तो उसी डर की वजह से वो शायद आ सकती थी मुंबई में ये उसका कहना था